सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय YouTube चैनल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए UMT डोंगल का रैक लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसका वर्जन है 1.3 और बहुत ही अच्छा टूल है फ्रेंड्स। कल ही हमारे एक सब्सक्राइबर ने इसकी रिक्वेस्ट की थी, तो मैं आज उसकी रिक्वेस्ट पर वीडियो बना रहा हूँ। इस टूल के ज़रिए आप लोग काफ़ी सारे ब्रांड्स के FRP वगैरह बाईपास कर सकेंगे और साथ ही IMEI नंबर भी आप लोग रिपेयर कर सकेंगे। सैमसंग हुआवे वगैरह के इसमें काफ़ी सारे मॉडल जो हैं सपोर्टेड हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और बताता हूँ मैं आप लोगों को कैसे ये वर्क करता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास UMT का जो क्रैक है वो पड़ा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप लोग इसे डाउनलोड कर सकेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं UMT के नाम से रर फाइल आप लोगों को मिलेगी, तो इसे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें। तो मैंने किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को इसे इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ से ओके, नेक्स्ट। ये भी टूल भी जो है GSMX टीम वालों ने इसे क्रैक किया है। ये फ्रेंड्स, ये इंस्टॉल हो चुका है, इसे मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को इसे रन करके दिखाता हूँ कि वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं इसकी दो जो है एप्लीकेशन यहाँ पे सामने आ चुकी हैं, यू अल्टीमेट मल्टी टूल के नाम से, अल्टीमेट मल्टी टूल के नाम से हैं ये। मैं इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेता हूँ। स्टार्ट, ये यहाँ पे ओपनिंग हो रही है फ्रेंड्स इस टूल की। तो ये आप लोग के सामने टूल ओपन हो गया, इसे मैं एग्री करूँगा यहाँ से एग्री। और ये लीजिए फ्रेंड्स, टूल ओपन हो चुका है आप लोगों के सामने, अल्टीमेट मल्टी टूल GSM वर्जन 1.3 है इसका। और यहाँ पे सैमसंग में हुआवे में काफ़ी सारे फीचर्स इसमें मौजूद हैं। और सैमसंग में यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं नेटवर्क, IMEI चेंज कर सकते हैं, FRP बाईपास कर सकते हैं, रीड वाईफाई कर सकते हैं और राइड कर सकते हैं। तो अभी मैं दूसरा जो एप्लीकेशन है इसे भी रन करके देखता हूँ कि इसमें क्या है। इसे भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो लीजिए फ्रेंड्स, इसे भी हम लोग एग्री कर देते हैं। तो ये टूल भी ओपन हो चुका है, इसमें भी हुआवे सैमसंग के फीचर्स काफ़ी सारे मौजूद हैं। अब मैं दूसरी जो है उसे भी साथ रन करके देखता हूँ कि इनमें फ़र्क क्या है। इसमें राइट फ्लश जो है हम कर सकते हैं, रीड इन्फो, अनलॉक और भी काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं इसमें मौजूद हैं। यह इसमें माइक्रोमैक्स भी है इसमें, और सैमसंग एंड्रॉयड में भी काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं मौजूद हैं। IMEI राइड कर सकते हैं, यानी कि न्यू IMEI जो है हम लगा सकते हैं, नेटवर्क अनलॉकिंग कर सकते हैं, गेट पार्टीशन और भी काफ़ी कुछ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं FRP रीसेट है एक टूल के अंदर, लेकिन दूसरे टूल के अंदर जो है FRP रीसेट यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।